अनिल जी, पहला प्रश्न मैं आपसे इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको कहीं के लिए निकलना है, और वो ये है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है और वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि वही सरकार चलाएंगे। क्या ये मुमकिन है? और उन्होंने जो लिस्ट भी अभी तक दी है उसमें किसी मंत्री का नाम नहीं दिया है गुप्ता जी, उन्होंने अपने परिवार के लोगों का, कुछ दोस्तों का नाम दिया है और एक दो जो लोग उनका काम देखते हैं, सरकार के किसी मंत्री का नाम नहीं दिया है मिलने वालों में। क्यों, इसको क्या समझे, कैसे सरकार चलेगी जेल से? जी जी, मैं बोलूं क्या? बोलिए। हेलो। हाँ, देखें क्या है, जो सरकार चलाना होता है, सरकार चलाने में खाली फाइलें सही नहीं करनी होती, आपको कैबिनेट की मीटिंग बुलानी होती है। कैबिनेट की मीटिंग बुलानी होती है, मंत्रियों से मिलना होता है, आपको साइट विजिट करनी होती है, आपको एलजी साहब से मिलना होता है, आपको एमएचए में जाना होता है, बहुत सारी चीजें होती है, आपको पब्लिक से मिलना होता है, उनकी ग्रीवांसिस को आपको सुनना पड़ता है, उनका डिस्पोजल करना होता है। तो ये सारी चीजें जेल में रहते हुए तो नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपने फाइलें वगैरह साइन करनी है तो फाइल साइन करने के लिए, एक मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि अगर एलजी चाहें तो किसी भी जगह को जो है वो जेल डिक्लेयर कर सकते हैं, वहां से फाइलें वगैरह तो साइन हो जाएंगी, पर जो और ड्यूटी सीएम की पोस्ट के साथ जुड़ी हुई है वो चीज वो नहीं कर सकते। तो इसलिए जो, अच्छा, जेल में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, जेल मैनुअल में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जिससे कि अगर कोई ऐसे हाई प्रोफाइल सीएम की पोस्ट वाले या कोई और हाई प्रोफाइल जेल में आ जाते हैं तो उनको जो है कोई सुविधा दी जा सके कि वो वहां से जेल से सरकार चलाएं। एक प्रिजनर जो होता है, एक ऑर्डिनरी प्रिजनर होता है, दो बार अपने घर वालों से मिल सकता है, वो भी हफ्ते में दो बार, और आधे आधे घंटे की मीटिंग होती है और तीन आदमी उसको मिलने के लिए आ सकते हैं। अगर आप देखिए इस पैरामीटर में, इस पैरामीटर से मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ से सरकार जो जेल से चल सकती है। मिलने वालों में उन्होंने अभी किसी मंत्री का नाम नहीं दिया है, छोटा सा जवाब इस पर, दो लाइन का। जी जी जी, जैसे मिलने जो हमारे यहाँ प्रोसीजर है, प्रोसीजर ये है कि जो भी प्रिजनर होता है उसको जो दस बंदों के नाम दे सकते हैं जिनसे वो मिलना चाहेगा। वो दस बंदे आके फिर टेली बुकिंग से अपनी बुकिंग करवाते हैं और आके जेल में मिल सकते हैं। पर इन्होंने जैसे छह बंदों का नाम दिया है तो छह बंदों से ही मिल सकते हैं वो, इवन दो वो इस लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं, हर महीने जो लिस्ट अपडेट होती है या 15 दिन में भी कई बार हो जाती है, तो उस लिस्ट को अपडेट वो कर सकते हैं। पर जो सरकार चलाने वाली बात है वो बहुत वास्ट बात, बहुत बड़ी बात हो जाती है, बारिस्पत फाइलें साइन करना जो है। ठीक है सुनील जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके पास प्रियंका कक्कड़ जी, मैं आना चाहती हूँ शुरुआत करने के लिए, क्योंकि वो भी सुनील गुप्ता जी पीआरओ रहे हैं फॉर्मर। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि सरकार कैसे चलेगी? छह नाम जो उन्होंने दिए हैं अभी ऐसे ही लोगों के दिए हैं, परिवार के लोगों के दिए हैं, प्राइवेट लोगों के दिए हैं, लेकिन किसी मंत्री का नाम अभी तक नहीं दिया है। तो क्या मंशा है उनकी, एक तो अड़े रहने पर कि सरकार हम वहीं से चलाएंगे, और दूसरी तरफ बड़ा प्रश्न, बीजेपी से किसने फोन किया? आज आप खुलासा कर ही दीजिए 6 बजे, बीजेपी से कौन सा वो नाम है जिसने फोन किया है, सबसे बड़ी खबर हो जाएगी। एक नाम बस बता दीजिए, सब आपकी बात पर विश्वास कर लेंगे, जिन्होंने आतिशी को फोन किया और कहा कि आप इधर आ जाइए, एक नाम। अंजना जी, सभी को नमस्ते। अंजना जी, बार बार हमें सारी अग्नि परीक्षाएं देनी है विश्वास जताने के लिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कि हमारी बात सच थी, जो हम 2 साल से बार बार कह रहे थे कि 500 रेडों के बाद भी एक चवन्नी नहीं मिली हमारे नेता किसी से। आज संजय सिंह जी की बेल हो गई, जो भाजपा ही लगातार कह रहे थे कि अगर बेगुनाह है तो बेल क्यों नहीं हो रही, लो आज तुम्हें जवाब मिल गया, बेल हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज अंजना जी, ये जो हम पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे, हैं, रहेंगे, सरकार चलेगी जेल से, कोई लीगल प्रोविजन नहीं है जो इसमें बाधा बनता हो। भाजपा ही कोर्ट गए थे और कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया, और आप ये अज्यूम मत कीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर ही रहने वाले, क्योंकि उनको उनकी हिरासत हुई है बिना कोई FIR, बिना कोई ECIR के, सिर्फ ऐसे बयानों के आधार पे जिनमें से एक व्यक्ति ने ऑलरेडी भाजपा ज्वाइन कर ली और TDP से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में, मंगूटा रेड्डी ने, उनका बयान। दूसरा बयान शरद रेड्डी, जिसने 60 करोड़ दिए भाजपा को अपनी गिरफ्तारी के बाद, फिर वो सरकारी गवाह बना और उसके बाद बयानबाजी दी।
पहले के जो उनके 9 स्टेटमेंट्स थे उनमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम भी नहीं था, पर ईडी ने वो सप्रेस कर लिया। हम बार बार कह रहे हैं कि भगवान के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं है, और मैं निश्चित आपको बता रही हूं कि अब भाजपा का झूठ का किला ढहने वाला है। लोग भाजपा से परेशान हैं, उनकी सच्चाई देश के सामने हम लेके आएंगे, हम एक्सपोज करेंगे भाजपा को। लेकिन और आज की बेल संजय सिंह जी की यही बताती है। लेकिन प्रियंका जी आपको बताना पड़ेगा ना कि अगर बीजेपी से किसी ने अप्रोच किया तो फिर आज सच और ईमानदारी की बात करने वाली पार्टी को क्यों डर लग रहा है बताने में? मैं आरोप ये तो फिर वही पुरानी बात हो गई, शूट एंड स्कूट। अरे नाम तो बताइए, जवाब दे देती हूँ, नाम तो बताइए। बता रही हूँ, बता रही हूँ। सेवा सिंह है पंजाब में, जिनका नंबर हमने सार्वजनिक किया और बताया कि कैसे वो लोगों को, हमारे पंजाब के विधायकों को धमकी भी दे रहे थे और 25 करोड़ का ऑफर भी दिया। यहाँ पे जिन्होंने हमें फोन किया, 25-25 करोड़ तोड़ के मंत्री बनाने की भी पोजीशन दी, उनका नंबर हम सार्वजनिक कर चुके हैं ऑलरेडी। आप पहले भी हमने नाम भी दिया था भाजपा के आतिशी को, किसने फोन किया? इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की वो भी बता देंगे, जो हमने पहले बताया। आप इनसे पूछिए ना क्या किया इन्होंने, हम तो बताए जा रहे हैं, आप पूछिए तो कार्रवाई कहां हुई। मैं आपके टीवी चैनल पे बता रही हूँ, सेवा सिंह ने पंजाब में फोन किया, नंबर सार्वजनिक किया, कल जिस नंबर से आया था वो सार्वजनिक किया। अब आपको आतिशी जी वाला ही नंबर चाहिए, मतलब आपको ये और नंबर मानेंगे नहीं, ये तो ऐसा नहीं होगा ना। तो हमने जो नंबर सार्वजनिक किए, जो कंप्लेंट हम डाल चुके हैं, जिनके नाम हम ले चुके हैं, इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की आप ये पूछ, जवाब दीजिए। हम और नाम बता, सेवा सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं की, और इसीलिए अभी वो नहीं बताएंगी। जब आप सेवा सिंह पर कार्रवाई करेंगे तो आतिशी को फोन करने वाले का भी नाम पता बताया जाएगा। लेकिन बड़ा झटका लगाया आपको संजय सिंह, अभी तक आप कह रहे थे इनको बेल क्यों नहीं मिल रही, बेल क्यों नहीं मिल रही, संजय सिंह को बेल मिल गई अजय आलोक जी? हाँ, बड़ा मंगलवार को झटका लगा, एकदम हिले जा रहे हैं हम तब से, तो जय बजरंगबली, झटका पे झटका। क्या अंजना जी, अरे भाई अंजना जी, जय बजरंगबली। प्रियंका जी कल मेरे साथ चैनल पे थी, कॉल बोल रही थी कि पीएमएलए के कारण बेल मिल ही नहीं सकती है, इन्होंने तो ऐसे संशोधन करवा दिए हैं कि बेल ही नहीं मिल सकती है, पिछले एक महीना से रट ही लगा रही थी, आज बेल मिल गई। अरे भैया, इस देश का संवैधानिक अधिकार है हर नागरिक को बेल मिलना। अरे भैया क्यों बीच में आप बोल रही है, बीच में कि नहीं, बीच में मत बोलिए ना, एक मिनट बताइए ना, जो बेल ही मिला है ना, बेल ही मिला है ना, दोष मुक्त नहीं हुए हैं, आफत नहीं खत्म हुई है, थोड़ी सी राहत मिल गई है, इसलिए आराम से धैर्य से, धैर्य से भागिए मत। और दूसरी बात, अभी आप बोल रही हैं 25 करोड़ 25 करोड़, 25 रुपए का लाइक नहीं, आप लोग 25 करोड़ कौन देगा? प्रियंका जी रुक जाए, अरे एक मिनट, बीच में क्यों बोल रही है, मैं आपके बीच में नहीं बोला, बीच में किसी ने नहीं बोला, अपने अपने बारी का इंतजार, पूरी बात बोल, पूरी कीजिए। 25 रुपए देने लायक नहीं है, 25 करोड़ कौन देगा भाई, इसलिए निश्चिंत रहिए। अब आप जानती हैं अंजना जी आज सुबह क्या हुआ, 11 बजे मुझे एक आदमी ने अप्रोच किया, मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता इस पे 12 बजे, एक आदमी ने अप्रोच किया कि सौरभ भारद्वाज बात करना चाहते हैं, एक आदमी ने फोन पे फिर सौरभ भारद्वाज से बात करवाई कि सौरभ भारद्वाज बहुत डरे हुए हैं कि उनको और आतिशी को टारगेट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल सुनीता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो इसमें हमारी मदद चाहिए, तो हम लोग इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब उसके बाद आप पूछिए किसने फोन किया, तो बोले किसी ने फोन किया। आतिशी तो कल बहुत बड़ा खुलासा करने वाली थी, कौन सा खुलासा हुआ, ये लोग झूठ के खदान पे बैठे हुए हैं, ये झूठ के खदान में से नया नया खदान निकलता है, ये नया नया झूठ। अरे बेल ही मिला ना भाई, पानीपत की जंग जीत के नहीं आए आजादी की लड़ाई लड़ के, केस खत्म नहीं हुए, अब बेल कैंसिल भी होती है, सत्येंद्र जैन याद है कि नहीं, बेल कैंसिल हुई वापस जेल गए, तो इतना जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, हर नागरिक का बेल मिलना संवैधानिक अधिकार है, उस पर खुश होने की जरूरत नहीं है। अब रही बात पर प्रधानमंत्री की, कि प्रधानमंत्री ने जो आज कहा कि मेरे तीसरे टर्म में भ्रष्टाचारियों पर और कार्रवाई होगी, ये मेरी गारंटी है। एक बार जानती है, भेड़ियों की झुंड में जब शेर की आने की आहट होती है ना, तो भेड़िये बौखला के भागने लगते हैं। प्रधानमंत्री जब भी ये घोषणा करते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई निश्चित है, इन सब घमंडियों के बिल्कुल रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है कि किसी तरह मोदी को आने से रोको। इनका इकलौता बाइंडिंग फोर्स है कि ये आ गया तो तीसरे टर्म में कोई नहीं बचेगा, क्योंकि जिस ढंग से हम कोई एजेंसी पे दबाव नहीं डाल रहे हैं, एजेंसी अपनी मेरिट पे काम कर रही है, और आज भी संजय सिंह का बेल ईडी ने अपोज नहीं किया, तो कृपया ये कहना बंद करिए कि ईडी हमारे दबाव में काम चलती है, पहली बात। दूसरी बात, हर एजेंसी स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए, और इस देश का संविधान इस देश के लीगल प्रोसीडिंग्स के हिसाब से ही चलेगा। हमने देखा है लालू प्रसाद यादव को भी बेल मिल गई, कन्विक्ट होने के बाद भी उनको सुक्सेस ग्राउंड पे बेल मिला,
तो हमारे संविधान में, हमारे लॉ में प्रोविजंस है, उस पर जश्न मनाने की जरूरत नहीं है।